बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। इसमें जो अगली एक्सरसाइज का जो आर्टिकल है जो मेन है वेरिएशन। वेरिएशन हम बोलते हैं दो मिकदारें या दो से ज़्यादा मिकदारें उनके साथ किस किस्म का रिलेशन है। एक डायरेक्टली वेरिएशन होती है, एक इन्वर्सली। आम तौर पर इसमें ज़्यादा प्रोपोर्शनल बोला जाता है, मैं प्रोपोर्शनल बोलूँगा। दो क्वांटिटी के दरमियान दो किस्म का रिलेशन होता है, एक वेरिएशन के सेंस में बोलो, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरे एक क्वांटिटी, एक ये हाथ ये है, एक हाथ ये है, एक क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कम हो रही है तो वो भी कम हो रही है, दोनों क्वांटिटी एक बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, एक को कम करता हूँ तो दूसरी भी साथ कम होती है। हम कहते हैं दोनों क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, आप बुक शॉप पर जाते हैं तो 10 रुपये की एक पेंसिल मिलती है, तो आप एक 10 रुपये का नोट रखते हो, वो एक पेंसिल देता है, फिर एक और रखते हो दूसरी पेंसिल। जितने 10-10 के नोट देंगे आप तो उतनी वो आपको पेंसिल देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी जितनी आप ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरफ आ जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसकी मिसाल एक मैं देता हूँ। हाँ, पहले बता दूँ होता क्या। जी, एक क्वांटिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम होती जाए, इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, माकूस बोलते हैं उर्दू में। मतलब मैं इसको कम करना शुरू करूँ तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसको कम करूँ तो वो बढ़ना, यानी कि दोनों क्वांटिटी एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसमें यह है कि एक घर में राशन जो है वो 30 दिन का लाए हैं आप, और पाँच बंदे हैं जो वो आटा दाल चीनी जो लाए हैं वो 30 दिन तक चलेगा। 5 मेहमान आ गए रिश्तेदार, ठीक है जी, वो भी रहने लगे, अब हो गए 10 बंदे, अब राशन चलेगा 15 दिन। बंदे बढ़ गए, ठीक है, तो वहाँ पे राशन कम पड़ गया। एक छोटी सी मिसाल मैंने दी, जैसे कि अगर आपके पास कोई बैलून है, आप उसे प्रेशर डालें तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। बस ये दो एग्जांपल के साथ फिर आगे चलता हूँ। अब ये देखिएगा, जो हमारी प्रोपोर्शनल होती है, दो क्वांटिटी पकड़ता हूँ, फर्द कर लें एक ए है और एक बी है, इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखते हैं ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में तब्दील करना होता है, तो उसके लिए सम कॉन्स्टेंट के लगाते हैं, हम कहते हैं वेयर के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं कहूँ ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो तब मैं कैसे लिखूँगा, ए ये अलामत वही डालूँगा डायरेक्टली की, लेकिन बी मैं रेसिप्रोकल में लिखूँगा, 1/b करके लिखूँगा। अब मैं कह सकता हूँ, ये अल्फाज गौर से सुनिएगा जी मेरे, पहले ये दो एक्सरसाइज होती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की इलादा और इन्वर्सली, अब ये दोनों मिक्स एक्सरसाइजेज हैं, तो यहाँ पे वर्ड ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मैं बोलूँगा ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, गौर से सुनिएगा, ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी को बोल लूँ। अगर मैं बोलूँगा ए 1/b को पूरा पढ़ूँगा, तो अब मैं बोलूँगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इस पूरे की रीडिंग करूँगा ना 1 के साथ वो भी, तो डायरेक्टली बोलूँगा। अगर ये नीचे वाले की बात करूँगा तो इन्वर्सली। तो दोनों तरीक़ों से आपका सवाल हो सकता है, इन्वर्सली अगर आपने बोलना तो नीचे वाले को बोल रहे हैं, अगर फुल को बोल रहे हैं रेसिप्रोकल को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनमें होता ये है कि अगर आपको दो क्वांटिटी दे दी है ना, ए और बी, ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया, एक हिस्से में आपको ए और बी की दोनों कीमतें देगा, हर सवाल में ए और बी की दोनों कीमतें देगा, ताकि आप इस के की कीमत निकाल लो। अब जब आपने के की कीमत निकाल ली ना, उसके बाद वो कहेगा जी ए की कीमत है तो बी की क्या होगी, तो ए की कीमत डिफरेंट देगा, बी का डिफरेंट आंसर आ जाएगा, फिर बी का अगर देगा तो ए का आंसर आ जाएगा, फिर वो डिफरेंट आंसर देगा, जितने मर्जी सवाल इसके आप बना लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। ये देखिए, इफ वाई वेरी डायरेक्टली एज एक्स, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
उसके बाद मैंने बताया था दोनों की कीमतें देगा, ए और बी, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की आपको कीमतें देगा, ठीक है। फिर सवाल आगे पूछेगा कि वाई आप लिखे फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स। चलो पहले हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास आएगा वाई इन टर्म ऑफ एक्स, तो हम ऐसे करते हैं वाई इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, लिखना चाहिए ये वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अब उसने आपको जो कीमतें दी हुई हैं, इसमें पहला सवाल भी हम हल करेंगे, मैं पहला ही इसको चला देता हूँ, पहला इसकी टर्म ऑफ निकालना। दोनों कीमतें दी हुई हैं, वाई की कीमत 8 और एक्स की कीमत 2। तो अब वाई की कीमत 8 लिख दें और एक्स की जगह 2 लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा के की कीमत, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो के की कीमत आ गई 4। अब इस k की कीमत 4 को इस k की जगह लिख दें, तो y इज इक्वल टू k 4x। इस इक्वेशन का नाम मैं a रख लेता हूँ। ये मेरे पहले सवाल का जवाब है कि y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x मैं यूँ भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि उसने हमें दोनों कीमतें दी हुई हैं तो एक्स वाई की कीमत पुट करके मैंने k की कीमत निकाली, तो ये मेरे पास जो उसने पहला सवाल है उसका जवाब। अगले में पूछते हैं, अब बताएं कि y की कीमत क्या होगी y when x इज इक्वल टू 2। हमने इसी को इस्तेमाल करना है। आपको कहता है यहाँ पे, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, देखें जी, अब वो कहते हैं x की कीमत आपके पास 5 है और y की कीमत आप बताएं। ये सवाल, ये वाला सवाल मैंने यहाँ पे लिखा, तो आसान काम है, y मालूम करना है, ऐसे लिख दें 4, a में कीमत पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे सॉरी मेरे पास 4x है, मैंने a लिख दिया, a मैंने उसको लिखना था 4x। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे x की कीमत पुट करूँगा जो क्या है 5, तो आंसर आ गया 20। ये आपके पास दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया 20 y की कीमत। अगले मैं पूछता कि आप बताएं कि f की कीमत क्या होगी जबकि y की कीमत 28 है। तो अब हम यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं, इसी a में y की जगह 28 लिख दें और 4x की कीमत हमने मालूम करनी है, 4x f की कीमत मालूम करनी है, तो f की कीमत निकालने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 7, 4 7 28। ये इस तरह, यानी हमने पहले k की कीमत निकाल ली है, फिर ये जितने भी सवाल पूछेगा हम उसके जवाब देंगे, लेकिन उसमें ये है कि a की कीमत आपको देगा, एक ही आप निकाल आपको आप खुद निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वैसा ही है जैसे कि पहला हमने सवाल किया, वहाँ पे वेरी डायरेक्टली लिखा था, यहाँ अलामत डाल दी डायरेक्ट वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वहाँ पे इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए थे। उसके बाद आपको बताया था दोनों की कीमतें देगा ताकि आप के की कीमत निकाल लें, आपके पास वाई की कीमत दी है और एक्स की कीमत ताकि के की कीमत निकाल लें, और पहला वैसा ही सवाल है वाई इन टर्म ऑफ एक्स लिख के दिखाएं, ठीक है जी। तो हमें पता है कि पहले को हल करते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू k x और वेयर k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं यहाँ पे वो टाइम बचाऊँगा कि जो हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k। अच्छा, इसमें हमने दोनों कीमतें पुट करनी है, y की जगह 7 आएगा और x की जगह 3 आएगा, तो k की कीमत हमारे पास आ गई 7/3। अब हम ऐसे करते हैं, इसमें दर्ज कर देते हैं y इज इक्वल टू 7 की कीमत, 7/3 k की कीमत आ गई तो 7x आ गया, इसका नाम मैं a रख लेता हूँ। आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरह से दोनों तरीक़ों से सही है। ये सवाल आपका हुआ पहला, आप y इन टर्म ऑफ x लिख दें, वो लिख दिया। अब दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल जो है मे बी मेरे पास पुरानी किताबें बाद में इन्होंने करेक्शन कर ली हो। देखिए कहते हैं f की कीमत बताएं जबकि y की कीमत, यह एक कंप्लीट सवाल है, उसके बाद कॉमा डाल के कहता है y की कीमत बताएं, तो यहाँ पे इसने तकल्लफ ही किया, इसको तीसरा सवाल नंबर कर देता है जैसे पहले था, मे बी कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है। तो बाद उन्हें ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है उसको सेपरेट कर दिया जाए।
तो देखिए मैंने ज़बरदस्ती तीसरा बना दिया। मे भी मेरी उस वक्त की किताब है कि जिस वक्त ये किताब प्रिंट हुई थी खासी पुरानी, तो मे भी कि इसने करेक्शन की हो। पर देख लीजिएगा वाई की कीमत 35 है, दूसरा सवाल इसकी 35 लिख दें 7/3, और एस की कीमत आप मालूम करें। तो एस की कीमत मालूम करनी है, ये 7/3 है, ये उधर जाएगा ना, तो 3/7 ये उधर उलट के जाएगा 3/7, तो 7/1 दा 7/5 दा 35 होता है, 5/3 दा 15, एक्स इज इक्वल टू 15। इस सवाल का ये जवाब आ गया। अब जो तीसरा पार्ट मैंने बनाया या दूसरे का कॉमा लगा के अगला हिस्सा, वाई की कहते हैं कीमत मालूम करें। वाई हमारे पास ये है, इसकी कीमत मालूम करनी है, ऐसे ही लिख दें 7/3 है। एस की कीमत कहते हैं 18, तो 3 के टेबल में 6/18 है, 3 6 18 और 7 6 42, तो ये आपका आंसर आ गया 42 जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही है जैसे हमने दूसरा किया, पहला किया उसे, कहते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आर और टी की कीमतें दो कीमतें देगा, उसके बाद आपके पास सवाल पूछना शुरू हो जाएगा। पहले वो कहते हैं इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, पहले इतना हिस्सा करते हैं। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखे हुए, सवाल वही है जो हमने पहले किया उसी तरीके से। तो इसको हल करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, सम कांस्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे ज़रूर लिखा करें वेयर आर इज सॉरी के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैं टाइम बचाने के लिए पूरा जुमला नहीं लिख रहा, इसके बाद देखिएगा। अब आपको दोनों कीमतें दी हुई हैं, आर की कीमत 5, इधर 5 दर्ज करें, के की कीमत निकालने के लिए करें, टी की कीमत 8, तो यहाँ पे आपके पास के की कीमत आ जाएगी 5/8 ये कीमत। अच्छा इसको दर्ज करें आप ये इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू के 5/8 है, और साथ आ गया टी, ये इक्वेशन है। पहले सवाल का तो ये जवाब आ गया कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड डी, इक्वेशन ये इक्वेशन है, इसको हम रिलेशन बोलेंगे, इक्वेशन तो इक्वल के निशान के साथ होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद दो सवाल इसने पूछे हैं कि कहते हैं आर की कीमत मालूम करें, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64, तो आर की कीमत मालूम करनी है, आर ऐसे लिख दें, यानी आप आर की कीमत मालूम करनी है और टी की कीमत कहते हैं 64। चलो ये इसका पार्ट, चले मैं इसको ए पार्ट लिख देता हूँ, इसको उसने तो नंबरिंग नहीं दी हुई। अच्छा आर जो है यहाँ पे मालूम करना है 5/8 और टी की कीमत 64, 8 1 8 8 64, 8 5 40, तो आर आपके पास 40, एक सवाल का ये जवाब आ गया। अब दूसरा पार्ट ये देखें, अब कहते हैं टी की कीमत मालूम करें, तो आपको कहते हैं टी की कीमत मालूम करें जबकि आर 20 है। अब ऐसे है इसमें कीमतें दर्ज कर दें आप, आर की कीमत है 20, 5/8 और टी की कीमत आपने मालूम करनी है। इक्वेशन ए में आर की कीमत दर्ज कर दी, 5/8 लिख दिया, और टी की कीमत तो आपने मालूम करनी है, वो है ही नहीं हमारे पास। अब ये देखिए टी की कीमत निकालनी है, टी इसको रोक लें, ये 20 है, ये 5/8 है, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, उलट के आएगा 8/5, तो ये 5/1 था और 5/4 था, 4 में डिवाइड हो गया, और 8/4 था 32, टी की कीमत आएगी 32। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3, के की कीमत निकालने के लिए आपको ये दोनों वेरिएबल की कीमत देगा, उसके बाद कहते हैं आर की कीमत बताएं जबकि टी की कीमत ये है। तो पिछले सवालों में ये हमने 2 2 3 किए हैं, इस सवाल के अंदर एक ही पार्ट है सिर्फ, तो इसको हल करते हैं। देखें जी आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा
हम बताएंगे यहाँ पे वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो दोनों कीमतें दर्ज करते हैं, आर की जगह 8 दिया हुआ है और टी की जगह 3 दिया हुआ है, और टी का स्केयर भी है 9 हो जाएगा। तो ये 8, ये 9 इसके नीचे आके 9 हो गया, ये के की कीमत आ गई। अब इसे मैं इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आर इजिकल टू 8/9 टी स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं पूछता हूँ कि सवाल कितना पूछो, इसके बाद आपको पता है दो दो सवाल पूछते रहे अभी तक जितने हमने किए, यहाँ पे एक ही सवाल है। आपको कहते हैं आर की कीमत मालूम करें, फाइंड आर व्हेन टी इजिकल टू 6, इसके अंदर दर्ज कर दें, इस पर लिख दें, बेशक इसका नाम ए रख दें, पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, आर की कीमत तो मालूम करनी है 8/9, और उसके बाद टी स्क्वायर 6 का स्केयर लिख दें, या 6 दो मरतबा लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो 3 3 9, 3 2 3 1 3 2, ये 2 2 4, 4 8 32, 32 ये आर की कीमत जो है आपके पास 32 आ गई जी। अब पांचवा सवाल करते हैं, इसमें कहते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और उसके बाद दो कीमतें देते हैं, वी और आर दोनों की कीमतें देते हैं आपको, ये कि इसकी मदद से के की कीमत मालूम करेंगे। उसके बाद सवाल देता है एक और, फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 625। तो ये आपके पास जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें, सम कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताएंगे वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वर्ड लिखने आपने, उसके बाद वी की कीमत पुट कर दें और आर की, ताकि के की कीमत निकाल सकें। वी की कीमत 5 है, के की कीमत मालूम करनी है, आर क्यूब इसका मतलब है ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, या 3 का क्यूब लिख दें, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है। तो k ये 27 है, ये 5/27, ये आपके पास k की कीमत आ गई। अब इसके अंदर दर्ज करते हैं, तो आपके पास v की कीमत आ गई, k की कीमत 5/27 और r क्यूब, इसे इक्वेशन नंबर a रख लेते हैं। ये रिलेशन हमने k के साथ इसका फाइंड कर लिया, v और r का जो इक्वेशन है वो मालूम कर ली। अब वो आपसे सवाल पूछता है कि आर की कीमत मालूम करें, इस आर की कीमत मालूम करें, जबकि वी कहता है 625। अब इसमें कीमतें दर्ज करते हैं, वी की जगह 625, 5/27 और आर क्यूब। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझे, ये 625 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये 27 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, और ये आर क्यूब, यानी जब ये आप इसको लाएंगे तो इसे उलट के इधर लाएंगे, क्योंकि इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, आइए डिवाइड होता है 5 1 5 1 5 2 10, 125। अब ये बात काबिले गौर है, इसको दरमे दें फिर कैलकुलेटर पर कर लें, सवाल हल करने लगे, उससे बेहतर है कि मैंने आपको बताया कि जहाँ मल्टीप्लीकेशन का बड़ा अमल भी हो ना, तो देखें कोई इसमें सिंपलिसिटी का पहलू है, ये आर क्यूब है, हमें पता है 5 की ताकत 3 125 होता, हमें पता है 3 की ताकत 3 27 होता 27। इस नॉलेज को इस्तेमाल करें आप, बाकी कैलकुलेटर पकड़ लें। अच्छा जी, अब आर क्यूब आपके पास आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 3 है, तो आपके पास 5 × 3 इसकी पावर 3 लिख दें, ठीक है जी। मैं स्टेप कर रहा हूँ, ये दबानी एक दो स्टेप छोड़े जा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, आर क्यूब आपके पास आ गया 15 का क्यूब। अब कीमत हमने आर की निकालनी है, ना कि आर क्यूब की, हमें टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट लिखते हैं, या पावर 1/3, ये क्यूब रूट ही होता है बोथ साइड, तो आर क्यूब है इसकी पावर भी 1/3, 15 का क्यूब है इसकी पावर भी 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, उधर भी 3 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास R इज इक्वल टू 15, ये इसका आंसर है।
जी, अब ये एक्सरसाइज 3.2 के 5 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन भी था और इसमें पहले 3 सवाल थे, उसके दो दो तीन तीन पार्ट थे। असल में हमने 8-9 सवाल किए हैं, ये देखने में 5 है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे कम टाइम में बाकी जो 8 सवाल रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।